अस्सलाम वालेकुम नाजी, मैं आपकी और नई सदा नई सूच के साथ एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे सितारा यासीन के बारे में, जो हमने उसकी वीडियो देखी, क्लिप देखे हैं। अब ये हुआ है कि उनकी बेटी की हैप्पी बर्थडे थी, उनके हस्बैंड नहीं आए। उनके सितारा जी के, यासीन के तमाम भाई जो वहाँ रहते हैं, दो भाई हैं, वो आए हैं, बच्चे आए हैं, लेकिन उनके हस्बैंड की तरफ के कोई भी नहीं आया। यानी कि उनके ससुर हैं, हयात हैं, यासीन की शादी में वो गए थे गांव, दूसरी जब शादी हुई वहाँ उनके बहन भाई बड़े एक्टिव होकर भंगड़े डाल के शादी कर रहे हैं उनकी, लेकिन सितारा यासीन के घर में उनका कोई दखल अमल नहीं है। यहाँ तक कि दादा भी अपने पोता पोती को देखने नहीं आते। बिल्ली म्याऊं श्याऊं तो घर में आ गई, वो नहीं आए, तो इसका यह मतलब है कि वो सितारा जी के अमल से सारे लोग पहले से ही, शुरू से ही वो नाराज़ हैं। उनकी किसी बात पे बनती नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने सितारों को एक तरफ कर दिया गया। अब ये भी देखा गया माशरे में, जब आपके ससुराल वाले लोग, हस्बैंड की तरफ के लोग आपके साथ ना हों, तो फिर दूसरी शादी के वाकयात तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ये तो आम सी बात है, क्योंकि अगर वो आपकी वाइफ के खिलाफ हैं, घर वाले हैं, तो वो अपने बच्चे अगर थोड़ा सा उसके अंदर कहीं और रुझान होता है तो सब मिलकर उसका साथ देते हैं। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हो रहा। देखे ना, जिठानी भी अब कोई किसी को इतने दिन नहीं रखता। मेरे घर भी, आपके घर भी मेहमान आ जाए, दिल पे हार रखें, किसी को दो दिन रखेंगे, तीन दिन रखेंगे, आप इतने दिन ही रखेंगे। लेकिन सितारा यासीन की जो हस्बैंड की दूसरी वाइफ है, वो मुसलसल जब से आई है, 15-20 दिन हो गए उन्हें कराची आए, वो जिठानी के घर ही रह रही है। यानी कि जिठानी भी सितारा यासीन के खिलाफ है, वरना 2-4 दिन रखने के बाद वो कह सकते हैं भाई अब अपना बंदोबस्त करें। अब उनको समझा सकते हैं, अपने घर से जब किसी को जाने के लिए कहा जाता है, उसे समझाया जाता है भाई जहाँ आए हैं वहाँ आप अपना प्लान बनाए रहने का, यही बात होती है। लेकिन जिठानी ने नहीं समझाया। अब यही समझ में आ रहा, अब इनके घर में, जिठानी साहब के घर में कमरे खाली थे, शायद वो अपने घर को किराए पे देना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छी मौका है, हर कोई अपनी अपनी जगह ना फायदा उठा रहा है। ठीक है जी, उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने कहा जी हमारे घर में आ जाएं, 2 कमरे उनको दे दी। इसका मतलब उनके घर में स्पेस थी, किराए पे वो रखते थे, रेंट पे लोग, उन्होंने इनको दे दिया है। इन्हें समझाया भी नहीं कि जब दूसरी शादी, आप खुद उसकी जिंदगी में शामिल हुई है, आपको सेटिस्फाई करना, वरना आप सारा कुछ छीना छपटी में लगी हुई। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं रहा, बल्कि जिठानी कोई भी इनकी बेटी की सालगिरह, बच्चों से तो सबको मोहब्बत होती है, उसकी बेटी की, सितारा यासीन की बेटी की, तैयबा की और आयत की हुई सालगिरह बर्थडे, वहाँ पे कोई सीन नज़र नहीं आता। बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है। नाराज़गी की वजह में मुझे तो अपने घर में जब वीडियो बनाती हूँ तो नॉर्मल से लगती हैं वो, लेकिन मैंने एक दो उनकी यूट्यूब पे पिक्चरें देखी, इंस्टाग्राम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे जिस स्टाइल से वो मेकअप के हवाले से जब आती है ना सामने, और उनकी जो स्टाइलिश तस्वीरें साड़ियों वगैरह में, उसमें तो मैं भी दिल रख के बात कर सकती हूँ कि जी अगर इस जगह हमारी अपनी बहन हो या भाभी, बहन को तो छोड़ दें, उसको तो हम नंबर दे देते हैं, भाभियाँ अगर इस तरह स्टाइल से टीवी पे आए, यूट्यूब पे आए और इस तरह की पिक्चरें दें, तो मेरा नहीं समझता जो लोग नमाज रोज़े के पाबंद होते हैं, जो थोड़े इस्लामी होते हैं, इस चीज़ को लाइक करेंगे। खुद सितारा यासीन नमाज़ पढ़ती हैं, अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ाती हैं, और ये भी कहती हैं कि मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, मैं अल्लाह से बातें करती हूँ। तो बेटा, अल्लाह तो दोबारा आपके ऊपर तो लानत भेजता होगा जब आप साड़ी पे या मेकअप के स्टाइल में तस्वीरें, जिस स्टाइल से आप बनवाती हैं ना, उसे तो हम भी घबरा जाते हैं कि ये क्या है, इस तरह का स्टाइल नहीं हो सकता। तो आप अल्लाह मियाँ से उम्मीद रखते हैं इस बात की, आप अल्लाह ताला के कानून धराधर तोड़ें और आप इस तरह की बातें करें, तो ये जजमेंट नहीं होती है। मैं समझती हूँ आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ा सा हद्दू दरबे में रहें, आप जब साड़ी और मेकअप का जो पोर्शन है ना आप उसमें जिस स्टाइल से आते हैं, उसे तो मैं समझती हूँ उनकी ससुराल वालों की नहीं बनती होगी। चलें छोड़ें, ससुराल वालों से किसकी बनती है, किसी की बनती है। इस पे बहस है। अब क्योंकि सितारा साहब यासीन को पैसे कमाने थे, उन्होंने जद्दोजहद की, वो इस तरफ आ गए, तो अगर ये भी होता है, सारे लोग उन लोगों के जो जहीन होते हैं आगे निकलना चाहते हैं,
निकल रहे होते तो उनकी खुशियां भी बर्दाश्त नहीं होती। ये भी एक पॉइंट है, एक इधर भी है। दूसरा ये कि अगर वो मेकअप में ओवर हो जाती हैं, तस्वीरें बना रही होती हैं, स्टाइल बड़े स्टाइल, उससे तो हमें भी घबराहट होती है उसमें। चले ये तो बात हो गई। अच्छा हम बात कर रहे थे, अच्छा सितारा यासीन थी उसमें नहीं आया, वो जो उनके अपने सब्सक्राइब की उन्होंने एक पार्टी दी छोटी सी घर के लोगों में, उसमें भी उनके ही भाई आए, उनके वो लोग जो घर में रहते हैं वही हस्बैंड ने बता इंट्री मारी फोन करके कहा कि मैं आ रहा हूँ केक लेकर आ रहा हूँ, अब मेरा वेट करना जी हाँ, और हस्बैंड आए भी। इसका मतलब है हस्बैंड जो है ना, अगर सितारा साहिबा यासीन जो है वो कुछ आराम प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहे तो वो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दो पैसे कमाने वाली वाइफ को कोई नहीं छोड़ता, और ठीक है ठीक है नहीं छोड़ता, उनकी दूसरी आप हैंडल हो रही है गलत हो रही है, दूसरे जो बेगम है उनकी, उनके जो बड़े हैं वो हावी हैं, यानी कि आप किसी की तीन बच्चों की और बीवी है ठीक ठाक कमा रही है, आप अपनी बेटी दी आप हावी हो रहे, उनके बुजुर्ग नहीं है वो, बल्कि उल्टा उनका समझाते हैं, वो क्या चाहते हैं बात करने दें। सितारा साहिबा की मम्मा ने जो है बात कर दी उनके हस्बैंड से कि मेरी बेटी से कोई बात ना करे, उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया, मगर वो चाहते क्या हैं कि अपनी बेटी भी किसी पे मुनसर वो गालिब कर दो और आगे से शर्मिंदा होने की बजाय अपनी बेटी को समझाएं कि आप दूसरी हैं, जाए उसके बच्चों की खुशियों में खुश हो जाए, आप दो हैं नीचे रहें मिलजुल के रहें, इसी तरह जिंदगी गुजरेगी, वरना मुश्किल है आपकी भी और उसकी भी। इतने समझदार समझदार लोग बैठे हैं और बेवकूफ़ों वाली कहानी चला रहे हैं सितारा यासीन के साथ, उनके चूंकि वो कमा रही हैं इसका भुगत से उतार रहे हैं। नॉर्मल बुजुर्गों को भी नॉर्मल एक्ट अदा करना चाहिए, लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि सितारा यासीन के जो गबलू गबलू से पहलवान जैसे दो भाई हैं ना, कराची में रहते हैं आसपास उनके घरों में भी, उनका भी कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है उनकी तो मर्दों वाली गैरत ही ख़त्म हो गई है। बहन के साथ इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उनके उनका कोई ऐसे लगता है जैसे कोई वो गेम ही हो रही है। हाँ हाँ व्यू के साथ जज्बात के साथ स्टेटमेंट हमारी जज्बातों के साथ वो गेम ही खेले चले जा रहे हैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए। कोई वो किरदार नहीं है अपने दूल्हा भाई को समझाने के लिए भाई क्या कर रहे हो बहनाई को, ये तरीका हमारी बहन का भी अब नहीं है, आपकी जिम्मेदारियाँ अब तो हम रह रहे, बल्कि फौरन आप देखें एक फैसला करने में भी टाइम, घर खरीदा जाता है फौरन फैसला हो जाता है, हमें पता चलता है जिन्होंने घर ले लिया है और साइन भी हो गया एग्रीमेंट भी हो गया चलो ठीक है, फर्नीचर एकदम आ जाता है, हर चीज़ एकदम आ जाती है, इसमें कोई प्लानिंग ही नहीं होती। फिर सितारा यासी ने अपने भाई को अपने घर में रखा हस्बैंड से पूछे बगैर, और अगले दिन देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं रात को कोई होता नहीं, मुझे डर लगता है, सुबह आती है तो पता चलता है कमरे में भाई की काम की मशीनें रखी हुई होती हैं, कि इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ दोनों पार्टियां कुछ समझ में आ नहीं रही है हमें। और अगर देखें ना एक उनके हस्बैंड का एक एंट्री नहीं थी तो लोगों ने देख लिया और मजा ही नहीं आता जब तक कहानी आम सी है, ये सस्पेंस रखा जाता है, ये सब इतनी सीधी बोली भी नहीं है हमारी सितारा यासीन, दुनिया में जिस तरह चलता ना वैसे ही है, उन्हें पता है कि व्यू किस तरह लेने हैं किस तरह बढ़ाने हैं, और हर जगह वो मौजूद होती हैं। अपनी छोटी बेटी आयात है ना, उसकी भी उन्होंने मैंने देखा था पिक्चरें बना बना के, यानी कि छोटी बच्ची से भी आप पैसा कमा रहे हो, पैसे की इतनी लत है। अच्छा जो लोग ये भी आप याद रखें जो औरतें इन चीज़ों में पड़ जाती हैं ना, वो अपने हस्बैंड को इतना ख्याल टाइम नहीं दे पाती, फिर उनके हस्बैंड को पैसे के साथ साथ औरत भी चाहिए होती। अब औरत वो जो औरत है बीवी के हकों का अदा नहीं कर रही होती, क्योंकि उसको हर जगह अपने बच्चे की तस्वीर बना के इंस्टाग्राम में लगानी होती है, ये करना होता है, पैसे कमा रही होती है, उसके जहन में वो चीज़ें नहीं होती, फिर उसके लिए वो दूसरी तरफ भागता है, कहीं तो कमी हुई है ना। अब हो गया है, अब वो तो गुजारे, हम परेशान हो रहे हैं, हम अपनी हांडियाँ जला रहे हैं, हमने ये देखनी है कहानी ये क्या हो रहा है। और वहाँ के बुजुर्ग कहीं भी कोई अच्छा कोई एक्ट ही नहीं ना भाइयों के, वो जो बोले गबलू से फिरे फिरते हैं कैमरा उठा उठा के, कोई ऐसे नहीं, तो हम क्यों जलें, हम क्यों अपना टाइम ज़ाया करें, हम क्यों इनके लिए, हमें पास कोई टाइम नहीं, भाई ये करने का टाइम है तो करें फिर।
ये बातें कहानी ना इस तरह समझ में नहीं आती है कि क्या हो क्या रहा है, कौन शादी करके आया, क्या आया, इनके बुजुर्ग कहाँ हैं, क्यों नहीं समझाते उनके इनके यासीन के सस्ता यासीन के सोचा, क्यों नहीं अपने बेटे को समझाते भाई आप उसकी तरफ भी जाओ, ये भी जिम्मेदारी हमारी है, आप क्यों नहीं दूसरी बीवी के जो माँ बाप आते हैं तो सतार यासीन के ससुर क्यों नहीं बात करते, ठीक है हम बहू को नहीं मानते ये ठीक है हम उसकी बातों को पसंद नहीं करते लेकिन हमारा बेटा वहाँ भी जाएगा ये करेगा, सारे चुप हैं। ये तो इंडिया और पाकिस्तान के ड्रामों से भी ज़्यादा ड्रामा हो गया। बस जी हमें शौक है तो देखे जाएं, हम तबसरे किए जाएंगे ताकि तर्जमानी हो सके बहुत सारे लोगों की, तो अपनी दुआ में हमें याद कीजिएगा और हल्का सा हाथ हिला के सब्सक्राइब लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।